हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कूल प्लस सिस्टम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल डोर फ्रिज इन्वर्टर के बारे में, जो कि 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर शो हो रही है। और 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर शो होने की वजह से आपके फ्रिज में ज़रा सा भी कूलिंग नहीं होती है। और साथ ही हम इसको पूरा चेक करके आपको हम दिखाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर शो क्यों होती है और कौन सा पार्ट आप बदली कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने थ्री टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर शो हो रही है। और ये इन्वर्टर कार्ड में सिंगल डोर का ये इन्वर्टर कार्ड होता है, जो कि पीछे के साइड लगा होता है। और ये डीसी कंप्रेसर है जो कि डीसी से चलता है। ये 3 फेज से चलता है, जो कि ये इन्वर्टर कार्ड है वो 3 फेज में तब्दील करता है। और ये डीसी में आपका कंप्रेसर चलता है, और कंप्रेसर हाई एम्पीयर लेने की वजह से या फिर उसका पिस्टन लॉक हो जाती है, तो इस वजह से वो 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर शो होता है। तो आपके कंप्रेसर में फॉल्ट होता है तो ही ये 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर शो होता है। तो कंप्रेसर आपको चेंज करना पड़ता है, और चेंज करेंगे और उसमें जॉइंट लगाएंगे और गैस चार्ज करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें आपके फ्रिज में कंप्रेसर का ही 100% प्रॉब्लम होता है, आपको पीसीबी बदली करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर में, जैसा कि आप देख रहे हैं, NC4AB80 ALR TT1 कंप्रेसर है, और इसमें ये कंप्रेसर बिल्कुल ही डेड है हो गई है, तो ही 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर शो होता है। और 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर शो होने की वजह से फ्रिज आपका कूलिंग नहीं होता है, कंप्रेसर ही नहीं चलेगा तो कूलिंग ही नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारे पास एक न्यू कंप्रेसर भी है, अब हम उसको इसमें रिप्लेस करके देखते हैं कि ये न्यू कंप्रेसर अब स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। और जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर शो करना बंद हो जाएगा। तो ये 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर शो को आप इसको कंटिन्यू गिन भी सकते हैं, 1 2 3, यानी कि 3 टाइम का ब्लिंकिंग हो रही है इस फ्रिज में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर, इसको आप गिनेंगे, गिनने के बाद आप इसको फाइंड कर पाएंगे कि इसमें 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर किस पार्ट का होता है। और साथ ही कंप्रेसर का फॉल्ट होता है, IPM फॉल्ट होता है, तो ही ये 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर शो होती है। तो हमारे पास एक न्यू कंप्रेसर है, उसको हम इसमें रिप्लेस करके देखेंगे, और रिप्लेस करके और साथ ही हम आपको पूरा कंप्रेसर भी चालू करके हम दिखाएंगे कि ये कंप्रेसर चालू हो जाने की वजह से 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर शो करना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे पास न्यू कंप्रेसर है, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है, और सेम पार्ट कोड का होता है, और सेम पार्ट कोड का ही, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंप्रेसर आप लगा देंगे तो उसमें ये चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो कंप्रेसर का पार्ट कोड उसमें होता है, जो जूने में है, वही न्यू में भी होना चाहिए। तो आप इस पार्ट कोड को सेम टू सेम मैच करेंगे, मैच करने के बाद फिर ये आप इसको जैक को लगाएंगे, जैक लगाने के बाद फिर इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद इसको 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर शो बंद हो जाएगा। और स्टार्ट जब इसका करेंगे, पावर ऑन करेंगे, तो इसको 3 मिनट वेट करना पड़ेगा। 3 मिनट के बाद ही आपका ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने के बाद 3 मिनट के बाद ही स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद फिर हम इसको चेक कर पाएंगे कि 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब हम इसको चालू कर दिए हैं। चालू करने के बाद आप इसको, ये लाइट एक बार ग्लो होने के बाद आप इसको 3 मिनट का वेट करेंगे। 3 मिनट वेट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, और ये कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं, सामने आपका रिजल्ट है कि 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर, कंप्रेसर का फॉल्ट होगा तो ही 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर शो होगी। और शो होने की वजह से ये फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। और आप इसको नाइट्रोजन प्लस करके और आप इसको बिठा दीजिए और गैस चार्ज कर दीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरर अभी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं, सामने आपका रिजल्ट है। तो दोस्तों, आप ये सामने देख सकते हैं कि लाइट बिल्कुल ही
जल रही है और आपका ये कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। और ये कंप्रेसर को भी आप चेक कर सकते हैं, कंप्रेसर का फॉल्ट होगा तो ही 3 टाइम लाइट ब्लिंकिंग एरो शो होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।